नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी खबर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नकली इंजेक्शन के कारोबार करने वाले सरबजीत सिंह मोखा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई तब हुई जब जबलपुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक समीक्षा बैठक में पहुंचे। पुलिस के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर कहे, ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी जो नकली इंजेक्शन कारोबार कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए इनकी संपत्ति को रोशन किया जाएगा, साथ ही कड़ी से कड़ी सजा भी उनको दी जाएगी। ये नकली ठीक, हम लोगों को गुजरात पुलिस से पता चला कि यहाँ जबलपुर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन आए थे। गुजरात पुलिस सपंजन नामक व्यक्ति को गिरफ्तार करके लेकर गई है। उसके बाद हम लोगों इसकी तह में गए तो ये पता चला है कि इसमें सिटी हॉस्पिटल के संचालक सरबजीत सिंह मोखा का हाथ है और उनके जो मेडिकल स्टोर के काम करते थे देवेश चौरसिया, इनका हाथ है। तो इसकी पूरी जांच की जा रही है। हमने प्रथम दृष्टया अपराध पंजीबद्ध किया है जिसमें गैर इरादतन हत्या के प्रयास, नकली दवाई का उपयोग और लोगों के साथ छल करना, आपदा प्रबंधन अधिनियम, महामारी अधिनियम, सबकी धाराएँ लगाई गई है और देवेश चौरसिया की गिरफ्तारी हो चुकी है। सरबजीत सिंह मोखा के बारे में खबर मिली है कि वो सिटी अस्पताल में एडमिट है, वहाँ हमने पहरा लगा रखा है और आगे फॉर्मल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, मोखा कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए उसने अपने आप को कोरोना घोषित किया है और उसको हार्ट अटैक भी आया है, तो क्या पुलिस इसकी भी जांच करेगी? देखिए, जो मेडिकल की जांच करना वो CMHO और सरकारी डॉक्टर कर सकते हैं, तो हमने उनको पत्र लिखा है, उसकी फॉर्मल जाँच की जाएगी। डॉक्टर ने मीडिया से बात करने के लिए मना कर दिया। वो रिपोर्ट आएगी उनकी, उसके बाद ही मैं कुछ कह सकता हूँ क्योंकि मैं इस चीज का विशेषज्ञ नहीं हूँ, तो मैं इस चीज पर नहीं
अपना कमेंट दे सकता क्योंकि मुझे पता नहीं है, तो जैसे उनकी रिपोर्ट आएगी हम बताएंगे। सर अभी थाने में कई शिकायतें आपके पास आई कि नकली इंजेक्शन के कारण उनके परिवार जन की मौत हो गई है, किसी से 2,35,000 लिए हैं, इससे पुलिस क्या विवेचना कर रही है? नहीं, अगर ऐसी कोई शिकायत आती है तो उस पर भी FIR जो आई है तो हमने उनकी बात सुनी है बिल्कुल, अगर जो शिकायत है उसके आवेदन पर जाँच की जाएगी और FIR भी की जाएगी। मिस्टर नायडू का कहना है कि